हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। तो आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के कुछ आर्टिकल्स देखेंगे और हाई कोर्ट के भी। तो स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5 में आता है। इसमें टोटल 34 जजेस हैं, 303 जज हैं, एक सबसे बड़ा जज होता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, इनके आर्टिकल होते हैं 124 से 147 तक। तो आगे आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। इट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। मस्ट बी ए जज ऑफ हाई कोर्ट 5 ईयर, कम से कम 5 साल तक तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए उसको। मस्ट बी ए एडवोकेट इन हाई कोर्ट, कम से कम 10 साल के लिए एडवोकेट होना चाहिए कहाँ पर, हाई कोर्ट में। मस्ट बी ए ओपिनियन ऑफ द प्रेजिडेंट इन डिस्टिंग्विश, जो प्रेजिडेंट की ओपिनियन है वो भी होनी चाहिए। ओके, आगे देखते हैं, आगे देखो अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज को कैसे अपॉइंट करते हैं। एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेजिडेंट, जो जितने भी जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है। आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल विद द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, एंड अदर देन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑल द अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी अपॉइंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो उसके नीचे 33 जज है ना, 33 जज, 34 है ना, 33 जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में लिखा उसके थ्रू। ओथ कौन दिलाता है इसको, सेरेमनी, द एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट और बाय ए पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, जो भी प्रेसिडेंट है इसको ओथ दिलाते हैं, ठीक है, शपथ बोलते हैं, शपथ ग्रहण करवा दिया है। टेन्योर क्या होता है इनों का, टेन्योर होता है इनकी 65 साल। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट फिक्स्ड द टेन्योर एट अ सुप्रीम कोर्ट जज का, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। ओके, 65 साल की उम्र पर हो जाएगा, चलो भाई अपने घर जाओ, अपॉइंटमेंट हो गया, चलो यहाँ से आ जाओ। सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी, सैलरी अलाउंस एंड प्रिवलेजेस आर डिटरमाइन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट डिसाइड करती है इनकी सैलरी। वैसे इसमें 2,80,000 दे रखे CJI और 2.5 लाख थी पहले, अब इतनी हो गई है। ठीक है, नोट, सैलरी अलाउंस इन द प्रिविलेज चार्ज इन द कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया से इनकी सैलरी आर नॉट सब्जेक्ट इन द वोट ऑफ पार्लियामेंट, या वोट ऑफ पार्लियामेंट करते हैं उनमें करते हैं। रिजाइनेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज किसको देता है, ये देता है हमारे प्रेजिडेंट को। ओके, हाई कोर्ट पर आ गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट वाला कोर्ट पहन लिया, अब हाई कोर्ट वाला कोर्ट पहनेंगे। चलो हाई कोर्ट कोर्ट पहनने के लिए 214 रुपये खर्च करो, उनमें से तुम्हें 214 हमारे 232 रुपये भी होने चाहिए, किस लिए, जेब में 232 होंगे तभी 214 खर्च करेंगे, वो कुछ रुपये लौटाएगा, क्यों, क्योंकि 6 नंबर का कोर्ट चाहिए ना पार्ट 6 में। डिफाइन द आर्टिकल 214 से लेके 232 तक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फिक्स नॉट फॉर द जज इन हाई कोर्ट, ईच कोर्ट कंसिस्ट ऑफ द जज इन मैनी डिमांड, तो नसल कोई इसकी डिमांड नहीं है कि एक हाई कोर्ट में कितने जज चाहिए, डिमांड होती है उसके हिसाब से जज भेजे जाते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कम से कम 10 साल के लिए एक छोटे से हाई कोर्ट कोर्ट में जब इसने काम करा तो एडवोकेट होना चाहिए कहीं भी लिस्ट। अपॉइंटमेंट क्या होती है, द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जज, एवरी जज हैज़ ए हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेजिडेंट, इनको अपॉइंट करते हैं। और क्या है, बोला है CJI की रिकमेंडेशन पर छोटे मोटे जज इनके अंदर होते हैं वो गवर्नर करते हैं। द स्टेट अपॉइंट बाय द जज ऑफ द सुप्रीम जस्टिस ऑफ इंडिया करवाते हैं। ओथ इनको कौन दिलाता है, ओथ भैया दिलवाएंगे हमारे कौन, ओथ दिलवाएंगे गवर्नर भैया, गवर्नर जी ओथ दिलवाओ। टेन्योर इन टर्म्स 8 साल की उम्र होती है, वैसे कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। ओके, तो आ जाओ यहाँ, इनकी सैलरी, सैलरी भैया जी की कितनी है, 2 लाख
2.5 लाख है। इनकी सैलरी भी कहाँ से आती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया स्टेट से आती है, स्टेट वाले से। ये रेजिग्नेशन देते हैं अपना प्रेसिडेंट को। ओके, आगे देखते हैं रिमूवल। और सुप्रीम कोर्ट जज को कैसे रिमूव करता है? आर्टिकल 214(4) से अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 224 सब क्लॉज 4 या सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव बाय इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट कहा जाता है 368 अमेंडमेंट करते हैं, 368 आर्टिकल लगाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, मिस बिहेवियर करेंगे तब इनको हटाया जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी लाते हैं, या मेजोरिटी में होता है चीफ 2/3 ऑफ द मेजोरिटी होनी चाहिए पार्लियामेंट टोटल स्ट्रेंथ की। रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जज के लिए भी क्या है 217(a)(b) का है। रिमूवल ऑफ द इम्पीचमेंट सेम मिस बिहेवियर 2/3 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, आगे देखते हैं, आगे आ जाओ। ये गाना है जुडिशियल एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है? ओरिजिनल जुडिशियल लगाते हैं 131 से, रिट लगाते हैं 129 से, एडवर्सरी लगाते हैं 143 से, अपील करते हैं 132 से, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। माय गॉड क्या गया, देखा नहीं है? देखा नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जुडिशियल और पावर इन हाई कोर्ट ओरिजिनल रिट ऐसे सारे लगाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।